हे एवरीवन, इट्स मी रोहन मलिक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विजय मार की तरह एडिटिंग। गाइस, आज फिलहाल अभी विजय मार जो कि जितने भी फोटो एडिट करते हैं सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड लगाते हैं और अपनी फोटो एडिट करते हैं। देखते होंगे ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड रहता है और उस टाइप की फोटो एडिटिंग रहती है। तो आज मैं उसी टाइप की एडिटिंग करने वाला हूँ। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग जितने भी एडिट करने वाले हैं वो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से एडिट करने वाले हैं। पिक्सार से इसलिए एडिट नहीं करने वाले क्योंकि उससे पिक्सल्स फट जाती है और फोटो की क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। एंड गाइस, इस फोटो में मैं जितनी भी PNG या जितनी भी बैकग्राउंड यूज़ करूँगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। So guys, हम लोग इस फोटो को एडिट करने वाले हैं विजय मार के कंसेप्ट में। So guys, इस फोटो को मैं इस बैकग्राउंड में लगाऊंगा जो कि देख सकते हैं पूरा व्हाइट बैकग्राउंड और हल्का सा साइड में एक मतलब ग्रीन पत्ता दिख रहा है। तो सिंपली सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड है जो कि विजय मार के फोटो में आप लोग अधिकतर देखते होंगे। तो सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर करना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो ये फोटो आ चुकी है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। अब हम लोग उस फोटो को इंपोर्ट करेंगे जिस फोटो को हम लोग एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, इंपोर्ट फोटो। सो गाइस, हमारी फोटो इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे राइट आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ देख सकते हैं हमारी दोनों फोटो इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक हार्ड इरेजर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। इसके सेटिंग में जाना है और अपने हिसाब से आप लोग तो अमाउंट इरेजर जो है इसको आप लोग को 100% रखना है और इसका साइज़ जो है अपने हिसाब से रखना है। इसका साइज़ आप लोग यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा बीच में। उसके बाद सिंपली आप लोग को जूम करके इस फोटो में, यही एप्लीकेशन में एक ऐसी बात है जो आप लोग जितना चाहो उतना जूम कर सकते हो जिससे आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करने में बहुत ही सुविधा होती है और अच्छे से बैकग्राउंड इरेज होती है, परफेक्टली होती है। तो सिंपली अब यहाँ से मैं इरेज करूंगा। सो बैकग्राउंड मैंने पूरे इरेज कर दिए और जहाँ पे बचा है हल्का बहुत यहाँ से हम लोग फिर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का बचा हुआ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फोटो बिल्कुल ही परफेक्ट बैकग्राउंड इरेज हुई है और देख सकते हैं बहुत ही HD क्वालिटी में हम लोग की बैकग्राउंड इरेज हुई है। तो इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आप लोग को जाना है और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, ट्रांसफॉर्म यहाँ से कर सकते हो आप लोग। आई थिंक ये सही लग रही है। तो इस हिसाब से हम लोग करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। सो पूरी हम लोग को इरेज हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइट लगा देता हूँ, लाइट PNG, जो कि फोटो और भी अच्छी लगे सनलाइट। तो यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे आप लोग को जाना है, इम्पोर्ट इमेज। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है कहाँ पे आप लोग को लगाना है। तो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। तो हो गया। और इसको यहाँ से हम लोग फिर से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कहाँ पे एग्जैक्ट लगाना। तो मैं जस्ट ऊपर लगाऊंगा। यहाँ पे इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर दीजिएगा तो थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए। सो हो चुकी है हमारी पूरी परफेक्ट। अब हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में तो फोटो और भी बॉम्ब हो जाएगी। तो सीधे चलते हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के। लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो सीधे सिंपली सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन पे, इस पे आप लोग को जाना है। यहाँ से हाईलाइट को कम कर लेना है, शेडोज़ को बढ़ा लेना है, अपने हिसाब से आप लोग को फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग को करना है। ओके, तो हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग को टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे जाना, टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देना है, वाइब्रेंस को भी बढ़ा देना है। उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ और मतलब दो कलर छोड़ के, आगे का दो कलर छोड़ के सबका सेचुरेशन कम कर देना है। ग्रीन का भी कम, एक्वा का भी कम, ब्लू का भी कम, सबका सेचुरेशन कम कर देना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, इसका सेचुरेशन हल्का सा आप लोगों को कम करना है। उसके बाद यहाँ ऑरेंज वाले ऑप्शन पे जाना है, इसका सेचुरेशन भी हल्का सा कम करना है आप लोगों को।
और इसके लुमिनेस को बढ़ा देना है, लुमिनेस को हल्का सा बढ़ाना है तो वाइट टोन में से हल्की हल्की मैच हो रही है। उसके बाद यहाँ येलो वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके ह्यू को कम कर देना आप लोगों को, देन डन कर देना है। उसके बाद आप लोगों को जाना है क्लियरिटी वाले ऑप्शन पे, टेक्सचर को आप लोगों को बढ़ा देना है, क्लियरिटी को बढ़ा देना है। उसके बाद स्प्लिट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ से आप लोगों को ग्रीन सेलेक्ट करना है, हल्का सा एकदम कॉर्नर में ग्रीन सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ आप लोगों को डन कर देना है। विंटेज को हल्का सा आप लोगों को कम करना है, ग्रीन अमाउंट हल्का देना है। सकते हो उसके बाद यहाँ पे शार्पनेस वाले ऑप्शन में जाना, शार्पनिंग को बढ़ा देना, नॉइज हल्का बढ़ा देना, कलर नॉइज एकदम हल्का बनाना। तो हमारी फोटो बिल्कुल मैच हो गई है बैकग्राउंड के साथ और फोटो बहुत ही कूल लग रही है गाइस देखने में। विजयमार ऐसे ही फोटो अधिकतर एडिट करते हैं। आप लोगों को शेयर वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ सेव टू डिवाइस कर देना है तो आपकी फोटो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। सो गाइस ऐसा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आते रहते हैं एडिटिंग के और मोबाइल फोटोग्राफी के, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।